को पुणी तीनि मासर मोहलत अगस्त 14 सुधा तदंत शेष करबाकु समय देले सुप्रीम कोर्ट। अदानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन मामलारे एही राय देइछंती सुप्रीम कोर्ट। अगस्त 14 तारीख रे तदंत रिपोर्ट दाखल करबाकु निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट कर मुख्य विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नेतृत्व रे गठित खंडपीठ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को द्वारा निजुक्त जस्टिस ए एम साप्रे कमिटी तदंत रिपोर्ट रो नकल उभय पक्ष को देवा निर्देश देते खंडपीठ, जहाँफल कोर्ट में से पक्ष रखा आहरी सहज हो। मामलार परवर्त शुणी जुलाई 11 तारीख को धार्य करोर्ट। यहाँ कोर्ट किसी प्रस्ताव रखिंट नियमावली को आहरी सुदृढ़ करने पूर्व निर्धारित नियमावली भितर नवेशकों स्वार्थर सुरक्षा करने को प्रस्ताव देते सुप्रीमकोर्ट। तदंत शेष करने को आहरी 6 मास समय मागिता सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पक्षर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा कोर्ट में जुक्ति उपस्थापन करते गत मे 15 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सेबी पक्षर कहुला जे 2016 मसीह आदानी ग्रुप्र जांच होता नहीं जो अभोग होता भित्तिहीन यह कौन सी तथ्य आधारित नुहे बोली सेबी। पूर्व सत्यपाठरे सेबी जो तदंत कथा कही देशर 51 कंपनीर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट उपरे ही थिला। आउ एथिरे अदानी ग्रुप्र कौनसी कंपानीर ना नथिला बोली स्पष्ट करथिला सेबी। मे 12 तारीख में कोर्टे प्रशांत भूषण पक्षर होता आवेदन में स्पष्टीकरण रखिता सेबी। सेबी निजर सत्यपाठरे हिंडेनबर्ग रिपोर्टे जो 12 संदिग्ध ट्रांजेक्शन उपरे दर्शाई ताकू नहीं अनेक जटिलता रही। ए ट्रांजेक्शन रे अनेक सब ट्रांजेक्शन अच्छी अंतर्जातीय बैंक और विदेशी फाइनेंशियल स्टेटमेंटर आवश्यकता रही। मे 12 तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहते कोर्ट एथिपाई अधिक 3 मास समय प्रदान करें। अदानी ग्रुप विरोध में अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर मार्च 2 तारीख में सुप्रीम कोर्ट तदंत एक कमिटी गठन करते। अदानी ग्रुप्र मार्केट सेयार में 140 बिलियन अमेरिकियों डॉलर क्षति होता। ए प्रसंग में एवं सुधा 4 जनस्वार्थ मामला कोर्ट में रुजुच्छ। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।